हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हल्टर नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैब्रिक को हमने यहाँ से स्ट्रेट कटिंग कर दिया है, जो कम ज़्यादा कपड़ा था, और बंद साइड से यानी लंबाई की तरफ से हमने 3.25 इंच रखा है और चौड़ाई की तरफ से 3 इंच का बॉक्स बना लेंगे। जो हमने बंद साइड से 3.25 इंच पर निशान लगाया है, इसके नीचे से इंच टेप को रखेंगे इस तरह से, और 7 इंच पर हमने गले का मार्क लगाया है। 14 या 14.5 पर आप कमर का लगा सकते हो। अब इसके बाद 19 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया है। अगर आप लंबी कुर्ती बना रहे हैं तो इसके लिए 20 या 21 पर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे धोती सलवार के लिए बना रही हूँ, इसलिए शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तैयार तीरा 12.5 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे 6.25 इंच आएगा। प्लस हम आधा या 1.25 इंच सिलाई रखेंगे, सिलाई के लिए जो बाजू में ज्वाइंट होता है। तो यहाँ हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। आर्म होल का भी हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ 6 इंच, यहाँ पर हमने पूरे 7 इंच लिया है। जैसे कि हम सादी कुर्ती में जब बनाते हैं बिना कॉलर वाली, तो 1/2 इंच कम रखते हैं। यहाँ पर 1 इंच हमने कम कर दिया है, 6 इंच लिया है। यहाँ हम आर्म होल 7 इंच लेंगे। और चेस्ट चेस्ट हमने 9 इंच पर लगाया है। चेस्ट 36 इंच है, 36 इंच, तो उसका 1/4 भाग 9 होगा। यहाँ हम 2 इंच रखेंगे सिलाई के लिए, 1.5 या 2 इंच आप रख सकते हो। अब चेस्ट का निशान लग गया। कमर 32 इंच है, तो 32 का 1/4 भाग 8 इंच होगा। 8 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने कमर का निशान लगा दिया। अब जितना चेस्ट है उतना कमर भी, उतना हिप भी है, तो यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप जितना है उसका 1/4 भाग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हिप का निशान हो गया। अब इसके नीचे जो एप्पल कट का गोलाई है उसे हम करेंगे। तो लेंथ आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हो, इसके नीचे जितना लेंथ रखना है उतना रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ज्यादा कपड़ा हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसे ज्यादा कपड़ा में फोल्ड करने पर उसमें झोल आ जाता है, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। यहाँ से 4 इंच और इधर से 4 इंच। अब यहाँ से 4 इंच और इधर से इस तरह से हम इस निशान से इधर हम ले आएंगे और इस निशान से इधर हम ले आएंगे। अब इसको 4-4 इंच पर रख के हम इस तरह से गोलाई कर देंगे।
यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने गोलाई कर दिया है। अब इसे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हमने जो सिलाई के लिए निशान लगाया है इसे दूसरे वाले लाइंस मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे, ये फ्रंट का है, ये बैक साइड का है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो हमने 7 इंच पर तीरे का निशान लगाया है इसके बराबर से पहले हम बैक साइड का आर्म होल काट लेंगे। अब 3.25 इंच छोड़कर यहाँ से इंची टेप को रख के जितनी लेंथ लेना था उतनी हमने इधर लेंथ ले लिया है। बैक साइड वाला पार्ट अलग कर देंगे। बैक साइड वाले पल्ले में हमने 1/2 इंच या 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कॉलर में जॉइंट होता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पीछे का पल्ला 1/2 इंच या 1/4 इंच फालतू रखेंगे जिसमें कॉलर जॉइंट होगा, और फ्रंट में यानी आगे के पल्ले में यहाँ जो बॉक्स बना है इसमें कॉलर बनेगा। अब कैंची को घुमाते हुए इस तरह से काट लेंगे। जैसे हम सिंपल कुर्ती में शोल्डर को डाउन करते हैं इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। फ्रंट में हमने कर लिया है, बैक साइड वाले में भी कर लेंगे। अब यह दोनों बराबर में आ गया है। इस तरह से जब आप फोल्ड करेंगे ना तो बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह आपको लगेगा। बस ये जो 3.25 इंच का निशान हमने लगाया है, बैक साइड सिर्फ 1/2 इंच या 1/4 इंच बड़ा रहना चाहिए क्योंकि वह शोल्डर में जो कॉलर बनता है उसमें ज्वाइंट होता है। अब फ्रंट का आर्म होल काट लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बैक साइड का 1/2 इंच बड़ा रखना पड़ता है और इसमें 3.25 और 3 इंच का बॉक्स बनाना पड़ता है जो कि कॉलर बनाया जाता है। कॉलर के लिए दोनों में से कोई बकरम ले सकते हैं, ये चिपकने वाला है। अगर आप इसका बनाएंगे तो प्रेस से चिपकाना पड़ेगा, और इसका बनाएंगे तो इसमें सिलाई करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई सा बकरम ले सकते हैं, दोनों का बढ़िया बनता है। बकरम की लंबाई 12 इंच है, चौड़ाई 9 इंच है, तो इसे हम चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। जैसे हमने कुर्ती में यहाँ बंद साइड से 3.25 इंच पर निशान लगाया था और इधर से 3 इंच पर, अब इसका बॉक्स बना लेंगे। यहाँ 3.25 इंच पर लगा लेंगे। अब यहाँ हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पर लगाएंगे तो खुल के 2.5 इंच आएगा जब कॉलर बनेगा तो। अब यहाँ भी 1/2 इंच पर लगा लेंगे। अब जो 1/2 इंच बच रहा है ये जाएगा सिलाई में। यहाँ पर हम 7 या 7.25 इंच गले का निशान लगाएंगे, इससे ज्यादा गला नहीं रखना है, और इसके नीचे एक निशान और लगा देंगे। जो 7 इंच पर हमने निशान लगाया है इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ 3 इंच पर मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने 2 इंच पर मार्क लगाया है और इसे इस तरह से तिरछा बनाएंगे। आप चाहें तो इसे राउंड में भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है इसका कॉलर बनेगा, इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आप चाहें तो इस तरह से गोल गला भी बना सकते हैं, यहाँ से इस तरह जो मार्क लगा है इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ इस तरह से कटिंग करेंगे। कपड़े के रॉन्ग साइड बकरम को रख के हमने इसे पेस्ट कर लिया है, यानी चिपका लिया है। इसे फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा हम कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी इस फालतू कपड़े को हम काट के निकाल देंगे। इस कॉलर को बराबर करके हमने सेंटर में कट लगा दिया है। फोल्ड करने के लिए हम इस कपड़े में थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे, जिससे इजीली फोल्ड हो जाएगा। इस कुर्ती को बनाना बहुत ही आसान है, इसे मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, इसलिए हमें बहुत आसान लगता है। और इसको हमने आपको अच्छे से समझाया है इस वीडियो में। अगर कुछ ना समझ में आए, यानी कोई कमी रह जाए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने कटिंग करते समय आपको बताया था कि 1.25 इंच पर कटिंग होगा, तो 2.5 इंच खुल के आएगा। यहाँ पर 2.5 इंच आ गया है। अब सेंटर को मिलाएंगे एक कुर्ती का और इस गले का। यहाँ पर मैं पिनअप कर रही हूँ, आप चाहें तो लंबी टांके की सिलाई कर सकते हैं। कुर्ती को हमने राइट साइड रखा है और इस कॉलर को रॉन्ग साइड, यानी कुर्ती सीधा है और उसके ऊपर से हमने कॉलर को इस तरह से रख लिया है। अब इसकी सिलाई कर लेंगे। कुर्ती में अटैच करने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पट्टी को इस तरह से रख के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे हम सिंपल गले में कट लगाते हैं, वैसे कपड़े को पलटने से पहले थोड़े थोड़े कट लगा के इस कॉर्नर पर हमने कट लगाया है और इसे पलट दिया है। अब इस पर एक सिलाई लगा के लैस लगा देंगे। अब बैक पार्ट में उल्टा साइड सेंटर में हमें एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे। अब इस कट को ये सीधा साइड है, ये सीधा है, इसको हम इस तरह से
इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जो सीधा साइड कुर्ती का कॉलर का सीधा साइड और ए वाला उल्टा साइड, अब इसको हम इसमें मिलाएंगे, यानी दोनों सीधा बराबर आना चाहिए, इधर भी सीधा है इधर भी सीधा है, दोनों बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर इस सेंटर को हम सिलाई से मिलाएंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अभी सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब हल्टर ने काला बन के तैयार है। यहाँ पे जो सिलाई हुआ है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से सिलाई भी कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। बैक साइड भी आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई झोल नहीं आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हल्का फुल्का झोल है तो यहाँ से अंदर से लेके ये जो कपड़ा है जहाँ से ज्वाइंट हुआ है कॉलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्की सी कटिंग कर सकते हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 इंच आ रहा है जहां से ज्वाइंट हुआ है कॉलर, और 3 इंच पे आ रहा है कॉलर, अच्छे से जाके गले पे चिपक जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर हल्का सा झोल आए तो आप यहाँ पर हल्की सी कटिंग कर सकते हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, यहाँ से 6 इंच की जो दूरी है यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे, सिलाई यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी तुरपाई कर लेंगे इस तरह से, जो अंदर वाला कॉलर है उसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ नीचे की साइड जो एप्पल कटिंग हुआ था इसे सबसे पहले हमने 1/4 इंच फोल्ड किया है, उसके बाद इसे दोबारा से फोल्ड किया, और इस तरह से हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। एप्पल कट की जगह आप सिंपल कुर्ती में भी इस कॉलर को बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। यह कॉलर लगभग हर साइज में इसी नाप का चलता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।